गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मोल्टन मटेरियल। अब आपने देखा होगा कि मोल्टन मटेरियल, जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था तो इसके बीच में हमने पढ़ा था कि लावा होता है, ठीक है, मैग्मा, तो ये सारी चीजें, दिस हीट क्रिएट्स। अब जो हीट क्रिएट्स होती है एस्टर इन साइड द अर्थ विच आर टू टाइप्स। अब दो प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं, एक तो होती है हॉरिजेंटल मूवमेंट्स, जिससे जो है फोल्ड अर्थ का जो पार्ट होता है या तो फोल्ड हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है दूसरी सेकेंड मूवमेंट होती है आपकी हमारी वर्टिकल मूवमेंट्स। तो वर्टिकल मूवमेंट्स पुश पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट अप एंड डाउन। अब हम उसके बाद बात करेंगे फोल्डिंग के बारे में। फोल्डिंग इज ए टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स। अब आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार से मूवमेंट होगा, ठीक है, जैसे आपने देखा ये ऐसे, तो इसमें आपकी जो है नोटबुक है, आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है। अब इसमें विच प्रोड्यूस वेव लाइक अपलिफ्ट ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स, जैसे आपकी वेव पड़ी थी, वेव लहर होती है ऐसे, तो इसी तरह से जो है ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें जो है वेव्स की तरह फोल्डिंग हो जाते हैं, तो इससे जो है फोल्ड माउंटेन्स बन जाती है। क्या होता है इसे, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब इसमें सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ, अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है सिंक्लाइंस, जो आपने देखा होगा कि एंड एंटीक्लाइंस। अब आपने जो ऊपर को जब ये जो है ये जो ऊपर का जो फोल्ड उठा, ये जो ऊपर फोल्ड उठा भाग ऊपर को उठा, ये एंटीसिलिन है, ठीक है, और ये जो नीचे का जो भाग है ये जैसे नीचे को जो होता है तो ये क्या है, सिंक्लाइन, ठीक है, राइट। तो इसमें एंटी क्लाइंस और सिंक्लाइंस ये दो टू टाइप्स की जो मूवमेंट्स होती हैं। तो इसमें अब जो सिंक्लाइंस आपका डाउन फोल्ड, जब डाउन को फोल्ड होता है, डाउन फोल्ड हो गया तो इसे सिंक्लाइंस कहते हैं, जब अप फोल्ड हो गया एंटीक्लाइंस, ठीक है। तो इसमें फोल्डिंग माउंटेन कैन बी क्लासिफाइड, अब इसमें इस फोल्डिंग माउंटेन को हम दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, एक तो आपका हो गया यंग यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स और एक होती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब न्यू फोल्ड माउंटेन्स होती हैं वो आपका जो एग्जाम्पल है वो जो है जो हमारी हिमालयन माउंटेन है, यही जो है यंग जो है यंग ओल्ड माउंटेन भी कह देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है ये। कितनी 60-70 मिलियन ईयर जो है ये पुरानी होती है, ओल्ड होती है, जबकि जो ओल्ड माउंटेन होती है उनकी फॉर्मेशन भी सेम होती है, लेकिन उनकी जो एज होती है इनके मोर देन 200 मिलियन ईयर्स आगे, इनके इनकी जो है वो तो 60-70 मिलियन ईयर एगो होती है, लेकिन ये 200 मिलियन ईयर एगो इनकी जो है जो बनी होती है उन्हें हम कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपका जो एग्जांपल है वो आपका अरावली ऑफ राजस्थान एंड यूराल ऑफ द यूरेशिया आर टू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट इज द फॉल्टिंग। तो आपने होगा कि फॉल्टिंग जो हमारी ये जो मूवमेंट्स होती है ये आपने देखा होगा कि ये कैसे होती है, ये मूवमेंट आपकी किसे होंगे, फॉल्टिंग में जो है वर्टिकल मूवमेंट्स होती है। जब वर्टिकल मूवमेंट देखा होगा आपने, जैसे मान लो ये जमीन का पीस है, जैसे मान लो ये लैंड है ऐसे, ठीक है, अब ये जो पीस है ये जो ये चीज जो है नीचे बैठ जाती है, ये दोनों पोर्शन ऊपर उठते हैं और ये नीचे रह जाते हैं, नीचे दब जाती है स्ट्रेस, नदी इनके नीचे को जैसे कंप्रेस हो जाती है, जैसे ऐसे नीचे, ठीक है। तो इसमें जो है ये इस प्रकार की जो है फॉल्ट होता है,
इसे जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वंस कनेक्टेड ब्लॉक्स ऑफ रॉक अलोंग ए फॉल्ट प्लेन. दिस हैपन बिकॉज ए टेंशन, क्योंकि इसमें जो है जब वो टेंशन पैदा हो जाती है तब होती है. तो आपने देखा होगा कि फॉल्टिंग यूजुअली रिजल्ट्स इन रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन. अब जो है इसमें जो ब्लॉक माउंटेन होती है, रिफ्ट वैली होती है, उसमें ये ज्यादातर जो है फॉल्टिंग टेक प्लेस करती है. रिफ्ट वैली इज आल्सो नोन एज ग्रेबन. अब इसे जो है ग्रेबन भी कहते हैं रिफ्ट वैली को. तो ग्रेबन ग्रेबन का मतलब होता है जो इस विच मींस जर्मन में जो है इसे डीच भी कहते हैं. और ग्रेबन इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल रिफ्ट वैली, यानी कि जो छोटी सी रिफ्ट वैली होती है. रिफ्ट वैली आप जानते हैं, रिफ्ट वैली का मतलब होता है जो संकीर्ण होती है, जो बहुत ही ठीक मतलब जो है नैरो जो वैली होती है उसे को हम जो है रिफ्ट वैली कहते हैं. इसमें आपका जो ऑन द अदर हैंड इफ द सम पार्ट ऑफ द क्रस्ट गेट्स लिफ्टेड अप, ये तो कहा कि नीचे बैठ गया पार्ट, ये नीचे बैठा पार्ट अब जब ऊपर उठ जा फिर तो रिफ्ट वैली बन गई, ग्रेबन बन गई जिसे हम कहते हैं. लेकिन यदि वो ऊपर उठता है गेट लिफ्टेड अप बाय द इंटरनल फोर्सेस तो उसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स, हॉर्स HORST. ठीक है. अब इसमें आपने देखा होगा कि जो फॉल्टिंग में नर्मदा एंड तापी वैली विद द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस आर एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स. अब जो नर्मदा एंड तापी वैली है वो तो आपकी जो है रिफ्ट वैली के एग्जांपल है, और विंध्य एंड सतपुड़ा जो रेंज है हमारी वो ब्लॉक माउंटेन है. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नाउ डू रीडिंग and try to solve the book work. Thank you.